अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हाजिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज फाइनली मौसम आज भी ठीक ठाक ही है और एकदम ठंडा मौसम है। देखो बादल पूरे घने बादल छा रखे हैं और ना एकदम देखो पानी पानी हो रखा है, क्योंकि इसलिए हुई थी रात को बारिश धड़ाके से एकदम। तो मुझे डर लग रहा था गाइस, क्योंकि मैं ना रात को सोच रहा था कि मेरे इन कबूतरों के उसमें ना पानी ना भर गया हो, क्योंकि आपको मैं जैसे ये बताया था कि उधर से पानी घुस जाता है अंदर। तो मैं फाइनली ऊपर आ गया था, सुबह सुबह मैं ऊपर आया था, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार चला जाता हूँ कि पानी ना भर गया हो अंदर और कबूतर मर ना जाए या बच्चे ना मर जाए, छोटे छोटे बच्चे अंदर। तो मैं जल्दी से ऊपर आया, मैंने ऊपर जैसे कबूतर खोले तो वो निकल गए। पानी फाइनली नहीं भरा था अंदर, फिर भी ठीक ठाक था, ये सूखा हुआ एकदम। तो मगर ये इन्होंने ये पानी रखा था मैंने अंदर अभी थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने नहा लिया अंदर, तो इन्होंने मज़े ले लिए बारिश के। तो छत भी हमने उसको धो ही दी सी भाने से, हमने कहा चलो छत भी धो देते हैं, अब हो गई है बारिश तो हम लोग थोड़ा सा पानी डाल के छत ही धो देते हैं। तो हमने छत भी धो दी दोबारा, इनको अंदर कर मैंने अंदर करने की कोशिश की तो मगर ये अंदर हुए नहीं। तो मैंने कहा हटाओ वीडियो शुरू कर दूँ, मैंने कहा इसलिए शुरू करिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ एक कबूतर बैठा हरा और वो है हरा पट्ठा। अब देखो कहाँ बैठा है, वो बैठा है कोने पर, कॉर्नर पर बैठा है एकदम बिल्कुल व्हाइट वाली छत के ऊपर कॉर्नर पर। तो गाइस वो वहाँ से ऐसे करके इधर से आया था, ऊपर से ऐसे करके आया और डायरेक्ट उधर घूम गया वो। तब तक मैंने कबूतर निकाले अपने, भर सारे कबूतर ना चले गए थे, दो तीन भार थे तो मैं उड़ा नहीं पाया उन्हें। तो मैंने जब तक पकड़ा उसको तब तक वो उधर चला गया बैठ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो गाइस देखते आता है तो आता वरना कोई बात नहीं, हम अपने अंदर जाके चेक करते हैं अभी किसी ने क्या क्या करा है और क्या नहीं करा। तो देख लेते हैं अभी किसी ने अंडे और दिए कि नहीं दिए। गाइस मुझे लगता है ये अंडा देने वाली है और ये भी अंडा देने वाली है, जब से अंदर ही घुसी हुई है ये सुबह से ही, और ये भी मुझे लग रहा है अंडा देने वाली। देखो इन्हें तिल्लियाँ रखना शुरू कर दी है। तो गाइस मुझे इसका तो पता नहीं है फिलहाल, देगी नहीं देगी क्योंकि अभी छोटी है ये, तो मुझे इसका नहीं पता। मगर गाइस एक बात मैं आपको बताऊँ, इसने अंडा दे दिया है क्या गाइस, बैठी भी है एक मिनट देखो जरा हड्डी हो जरा। गाइस इन्हें अंडा दे दिया फाइनली, वाओ आज तो अंडों की बौछार हो गई। गाइस देखो इधर इधर बच्चे, इधर बच्चा, इधर अंडे, इधर अंडा, इधर अंडा, और ये दोनों भी अंडा देने वाली है। तो गाइस इधर तो होने वाली है अंडों की बौछार और इधर भी दो अंडे जो बैठी हुई है। तो गाइस मुझे काफ़ी इंजॉयमेंट हो रहा है, मतलब कि समझ नहीं रहा आप, मैं ना बहुत खुश हूँ क्योंकि जब ये अंडे दे देते हैं ना तो मुझे खुशी मिलती है, चलो अपने घर के अच्छे बच्चे निकल जाए, मैं इन्हीं से इकट्ठे कर लूँ। चूँकि इसलिए मुझे जितने बाहर के पसंद नहीं है ना, मुझे तो अपने घर के पट्टे पसंद आते हैं। गाइस आपको पता है आज पट्टा ना जब मैंने इसे खोला था ना तो डायरेक्ट निकल के ना ये उड़ गया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इन्हें दो चक्कर लिए छत के, दो चक्कर लेके लंबा निकल गया, लंबा गया तो दूसरी छत पर जाके बैठा दूर जाके। तो मेरे को लगा था नहीं आएगा, जंगलियों में निकल जाएगा, मगर ये फाइनली घर पर वापस आ गया। तो मैं बहुत खुश हुआ उसको देख के, चलो अच्छी बात है ये वापस आ गया, वरना दिक्कत हो जाती बहुत बड़ी। और इसकी हालत खराब है, चोंच देख सकते हो आप। मैंने आप लोगों से कहा था कुछ बता देना मगर आप तो कमेंट ही नहीं करते, वीडियो ही नहीं देखते तो कमेंट कहाँ से करोगे। गाइस आप लोग तो बता ही नहीं सकते, इतना ही नहीं बता सकते कि इसकी चोंच ठीक कैसे करूँ मैं। बेचारा कुछ खा नहीं पाता, ये खिलाना ही पड़ता है इसको, मेरे मैं अपने हाथों से चने वगैरह खिला देता हूँ, और या फिर इसका जो पति है ना कहाँ गया, वो ये बैठा ये भरा देता है इसको, वरना खाली मिली में ये तो भूखा मर जाएगा। तो बच्चा देखो कितना क्यूट है, झांक रहा है, ये देखो गाइस ये देखो, अरे देखने तो देख मिनट, अरे मार रहा तेरे बच्चे को, देख देखने दे, वीडियो में दिखा रहा हूँ, फेमस हो जाएगी तू, तेरे बच्चा भी फेमस हो जाएगा, टिकटॉक टिकटॉकर क्या बोलते हैं उसे, टिकटॉक स्टार बनेगा। और तू दिखाई, तू तो नहीं मारेगी ना पक्का, दिखा दे, अच्छा दिखा दे दिखा दे, चल तू भी बन जाइए फेमस। बस देखो गाइस इसने नहीं मारा, इसको पता चल चुका है कि मैं फेमस हो जाऊंगी और मेरे बच्चे भी, तो इसने मुझे नहीं मारा। तो कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं क्योंकि ये डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। देखो कितनी क्यूट है ये बहुत डर जाती है तो ये भी क्यूट, देखो मासूम है इतने ज़्यादा ना बच्चा। देखो वो सोच रहा है मैं कुछ खिलाने के लिए इसके पास आया हूँ। बेटा वो रही तेरी मम्मा, देखो वो रही उससे, अरे बेटा उससे मांगो मुझसे नहीं, इधर है बेटा, भूखा है ना, तो मुझे पता है तू भूखा है, खिला दे उसको, मत मार बाबू उसको मत मार, चोट लग जाएगी इसको। तो ये देखो कैसे घूर रहा है, मुझे ये डर पुक्का बहुत है, अगर मैं गलती से भी हाथ डालूंगा ना तो मैं हाथ नहीं डाल पाऊंगा, पहले भाग जाएगा, अंडा पूरा खराब कर देगा, तोड़ फोड़ देगा। तो इसको हाथ डालना बेकार है, लू लाइए वैसे भी। तो इसकी आंखें देखो गाइस, मुझे इसकी आंखें देख के बहुत हंसी आती है, आंखें देखो जरा
कैसी आंखें बना रखी है इनने, ऐसा लग रहा है गुंडा हो क्योंकि इसने मारा ही इतना बुरा है, इसको भी मारा था मगर इसकी आंखें नहीं सूझी, ये थोड़ा सा मकोई टाइप में ना मोटी मोटी आंखें हैं तो उसकी सूझ गई आंखें। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर कुछ उड़ा कि नहीं उड़ा वो कबूतर। तो गाइस वो कबूतर तो फिलहाल नहीं उड़ा, अभी तक बैठा हुआ है। तो देखिए वो बैठा हुआ है गाइस कबूतर, हरा कबूतर बैठा हुआ है वहीं का वहीं। अब देखते हैं आता है तो आता, वरना कोई बात नहीं, अपने कबूतर जिंदाबाद। तो इसको देखो गाइस, ये भागने के लिए कर रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये ना बार बार उड़ने के लिए करता रहता है। तो मैंने इसको छोड़ रखा, मैंने कहा हटा, उड़ेगा तो उड़ जाएगा, इसकी मर्जी है, हिलेगा तो हिल जाएगा। तो अपने चमगादड़ को भी देख लेते हैं अंदर, क्योंकि हमारे चमगादड़ कैसे हैं इनको कह रहा हूँ मैं चमगादड़, तो इनको देख लेते हैं एक बार अंदर। तो देखो गाइस ये भी, अरे ये गीले हो रखे हैं गाइस, सही है, पता है कि चूँकि मैंने को गर्मी हो रखी थी ना तो मैं इनको रोज़ नहलाता था, तो मगर अब ये सर्दी, मतलब ये सर्दी नहीं हुई है, मतलब कि ठंडा मौसम हो गया, आपको भी दिख ही रहा होगा एकदम बारिश बारिश जैसा मौसम है। तो इनको ना फाइनली आराम मिल गया है, मतलब कि एकदम राहत मिल गई है गर्मी से, तो अच्छी बात है। ये भी ठीक ठाक हैं और इन ये भी वीडियो में आना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, तो इनको फेमस कर देना जल्दी से, और बच्चों से बच्चों को भी फेमस कर देना कबूतर के, प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कर दो मैं तो इतना ही कहूँगा बस, वायरल करो मेरी एक वीडियो तो वायरल कर दो, प्लीज़ कर दो मेरा चैनल वायरल कर दो। अरे इसको क्या हो गया, इसको पता नहीं क्या हो जाता है एकदम, ये देखो कैसे घुटक रहे हैं, फुल मस्ती में है इसे आज भी। मगर आपको पता है जैसे मैंने कल खोला था ना, थोड़ी बहुत धूप होती ना, वैसे कबूतर क्या है ना निकलते उड़ना बैठना शुरू कर देते हैं, और जब छाई वैसा मौसम होता ना तो कोई किधर बैठा हुआ है कोई किधर बैठा हुआ है, खुजलाना खुजलाना ऐसा करते रहते हैं लोग, बारिश के मज़े फुल तरीके से नहीं लेते ये। मगर जब धूप क्या होता है, जब धूप के मज़े ऐसे लेते हैं ये उड़ उड़ के गुटकते रहते हैं, तेते गुटकते हैं, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। और अब देखो कैसा मुंह बना रखा है इन्होंने, देखो उसको मैंने बंद कर रखा है गाइस उसको लाल को, क्योंकि इसलिए वो इतना मारता है ना कबूतर को बहुत ज़्यादा, इसकी बहुत फाइट होती है, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया है। तो ये देखो कहाँ उतर गया, ये नीचे उतर जाते हैं, ये देखो उतर रखी, इसकी मादिन अंदर है, तो ये सोच रहा था मेरी मादिन बाहर है, तो इसकी मादिन तो अंदर ही थी, बेचारा सोचा बाहर है, उतर गए वहाँ पर। अब गाइस मैं इनकी आदत मैंने बनाना अब छोड़ दी है, क्योंकि ना नीचे ना इनके यहाँ पे बिल्ली पल रखी है एक ब्राउन कलर की जंगली बिल्ली, तो वो यहाँ पर भी कई बार आ जाती है, मैंने देखा है कई बार आ जाती है, तो फिर डर लगता है कि कबूतर पकड़ कर ले जाए, कहीं मैं ना हूँ तो गया हुआ हूँ तो कबूतर उबूतर ले जाए मेरे पकड़ के, तो इसलिए मैं अब नहीं जाने देता नीचे उनको। तो देखो भैया एक्सरसाइज कर रहे हैं, चुपके से वीडियो बना ली। तो देखो गाइस यही है कबूतर, वो देखो अंदर तिल्ली चुरा रहा है, दिल्ली चुरा रहा है कबूतर अंदर से, तो देखो इन्हें निकाल ली दिल्ली, दूसरे के खाने से चुरा के अपने खाने में लेके जा रहा है, कहाँ गया ये देखो, वो ले गया अपने खाने के अंदर, अपने खाने के अंदर ले गया अपनी मादिन के पास, तो अच्छी बात है ले जाने दो चुरा दो उसको, वैसे इसका बच्चा तो बड़ा ही हो गया फिलहाल। तो गाइस आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन।